क्या फिक्शन स्टोरी बनेगी कमाई का जरिया? क्या रीमेक पड़ेगा शाहिद को भारी? क्यों मिलती है केजीएफ 2 और जर्सी की कहानी? क्या फिक्शन स्टोरी बनेगी केजीएफ 2 की शान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड फिल्म जर्सी की रिलीज डेट चर्चा में बनी हुई है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट को कई बार आगे बढ़ा चुके हैं। फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं अब मेकर्स ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। शाहिद कपूर की ये फिल्म अब बैसाखी के मौके पर यानी 14 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद शाहिद कपूर ने एक ट्वीट करके दी है। शाहिद कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी फिल्म जर्सी 14 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिनेमाघरों में मिलते हैं। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में सिर्फ शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी ही रिलीज नहीं हो रही है। इस दिन साउथ इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 भी रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का भी दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से अब 14 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की धमाकेदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। केजीएफ 2 और जर्सी दोनों फिल्मों की कहानी अलग अलग है। ऐसे में फिल्म रिलीज होने के बाद सबकी नजर कलेक्शन पर जम जाएगी। बता दें, जहां जर्सी एक क्रिकेट बेस्ड मूवी है, वहीं केजीएफ 2 लालच, सत्ता, माँ की इच्छा, बेटे के वादे पर आधारित फिल्म है। वैसे तो दोनों ही फिल्म देखने में एक दूसरे से जुदा लग रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इनकी कहानियां भी क्लैश कर रही हैं। जैसे केजीएफ 2 में रॉकी अपनी माँ के वादे को पूरा करने के लिए केजीएफ पर कब्जा करके सबसे बड़ा और अमीर आदमी बनना चाहता है। वहीं जर्सी में भी हम यही देखेंगे कि शाहिद का कैरेक्टर अपने से किए हुए वादे पर काम करेगा और एक स्टेबल इंसान बनना चाहता है। पास से दोनों की कहानियों पर नजर डाले कि दोनों ही एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। ऐसे में दोनों का क्लैश होना सिनेमा इंडस्ट्री के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। इससे पहले आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी 14 अप्रैल को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान ने फिल्म का काम पूरा ना होने की वजह से रिलीज डेट को आगे खिसका दिया है। अब आमिर की फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। 11 अगस्त को प्रभास की आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोनों फिल्म के मेकर्स ने बातचीत की, जिसके बाद आदि पुरुष की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जर्सी तेलुगु की सुपरहिट फिल्म का हिंदी रीमेक है। ये फिल्म 36 साल के एक शख्स पर आधारित है, जिसका 6 साल का बेटा है। वो फिर से क्रिकेट खेलना शुरू करता है, क्योंकि उसे सिर्फ वही काम आता है। इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर गौतम ने किया है। वहीं केजीएफ 2 किसी का रीमेक नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है, जिसका असर भी इनकी कमाई पर हो सकता है, क्योंकि जर्सी के ओरिजिनल स्टोरी को हर कोई जानता है, लेकिन केजीएफ की सीक्वल की कहानी में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे में केजीएफ 2 का ज्यादा कलेक्शन करने के ज्यादा चांसेस है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।